Yo, what's up guys? कैसे आप सभी लोग? Welcome back to another gameplay video. तो guys, आज हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं Gas Station Simulator. Alright guys, तो जैसे कि आप सभी लोग को याद होगा कि कुछ दिनों पहले हम लोगों ने अपनी गैस स्टेशन में एक नया एम्प्लॉय रखा था जो कि हमारी काम में हेल्प करवा रहा है काफी ज्यादा. और ये पुलिस ऑफिसर को ज्यादा जल्दी मची हुई है, तेरी ऐसी की तैसी, तेरी गाड़ी में अब देख कम फ्यूल भरूंगा. हाँ नहीं तो यहाँ पर बात चल रही है, गेम का इंट्रो चल रहा है, ये पहले मस्ती करने आ गया. फिलहाल हाँ अभी अपने गैस स्टेशन में ना काफ़ी ज़्यादा भीड़ मच चुकी है और ये देखो ये डांट रहा है क्योंकि गैस स्टेशन में बहुत ज़्यादा गंदगी हो गई है. वेट, पहले पुलिस ऑफिसर की गाड़ी में फ्यूल भर दूँ. खैर नहीं यार, अभी मेरे को पैसों की ना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है तो अभी काम मेरे को सही से करना होगा. बट वेट, यहाँ पर गंदगी मची है और अपनी ये जो नई एम्प्लॉय है अभी इसका आज दूसरा दिन है. फिर भी ये एक सेकंड रेस्ट पहले करवा देता हूँ इसको मैं. वहाँ पे गैस स्टेशन में इतने सारे लोग आए और इसको देखो यहाँ पर बैठ के आराम से बियर पी रही. इधर ये ले पिछली बार की पेमेंट. अच्छा मैंने इसको सारे पैसे दे दिए तो फिर क्यों नहीं काम कर रही? गैस स्टेशन साफ कर जल्दी से भाग के. हाँ नहीं तो मैं सोच रहा हूँ कि मुझे ना अभी एक एम्प्लॉय और रख लेना चाहिए. मुझे मालूम है डबल डबल सैलरी देनी पड़ेगी दोनों को, बट हाँ एटलीस्ट गैस स्टेशन में साफ सफाई रहेगी, कोई भी कस्टमर को ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा, सब कुछ एकदम बढ़िया हो जाएगा. बाकी हाँ आज मैं सोच रहा हूँ कि क्यों मैं क्यों सफाई कर रहा हूँ, सफाई करने के लिए इसको बुलाया है तो ये सफाई करेगी. बाकी हाँ यहाँ पर आप लोग देखो मैंने काफ़ी सारे चेंजेस करे हैं. जितनी भी ये ड्रिंक्स वाले मशीन थी सारी साइड रख दी है, चिप्स वाला लेफ्ट साइड में रख दिया है, बाकी सब कुछ वैसे का वैसा ही है. फिलहाल यहाँ पे कुछ कस्टमर्स वेट कर रहे हैं, इनको जल्दी से सामान देते हैं. और आज के इस वीडियो में हम लोग अपनी गैस स्टेशन को अपग्रेड करने वाले हैं लेवल 4 पे. मीन्स लेवल 4 पे अपग्रेड करने से काफ़ी सारी चीज़ें अनलॉक हो जाएगी. जैसे लास्ट टाइम टॉयलेट को हमने अपग्रेड करा था, फिर वर्कशॉप खोली थी, फिर उसके बाद भी काफ़ी कुछ हमने करा. हाँ बस स्टॉप खोला था. अब देखते हैं कि अब नया क्या खुलने वाला है. हो सकता है कि ये जो अपना कार वॉश वाला एरिया है ये भी अनलॉक हो जाए तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रहेगा. लोग अपनी कार वॉश करवाने यहाँ पर आएंगे और हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना होगा, उनकी गाड़ी पे बस पानी मारना है और अपने को बहुत सारे पैसे मिल जाएंगे. बाकी एक बंदा यहाँ पर अपनी गाड़ी रिपेयर करवाने आया हुआ है. वेट बता भाई तेरी गाड़ी में क्या दिक्कत है? अगर टायर चेंज करवाना होगा तो वो नहीं हो पाया क्योंकि अपने पास अभी कोई भी नया टायर नहीं पड़ा है, तो मुझे वो सामान मंगवाना पड़ेगा. ऑलराइट चल के चेक कर लेता हूँ. वेट इसको टायर ही चेंज करवाना है. सॉरी ब्रो टायर तो नहीं चेंज हो पाएगा, बट हाँ ये जो तेरी गाड़ी में राइट साइड पे स्क्रैच आ रहे हैं ना ये मैं रिमूव कर सकता हूँ अभी फिलहाल. ओके तो मैंने इसकी गाड़ी से स्क्रैच रिमूव कर दिए. बाकी सॉरी सर अभी मेरे को आप $110 ही दे दो. टायर अभी पंचर चलाने ना क्या दिक्कत हो रही है. मैं अभी चल के ना गाइस काफी सारा सामान ऑर्डर कर देता हूँ अपने गैस स्टेशन के लिए. मेन्स अपना ये जो स्टोर है ना यहाँ पर भी ड्रिंक्स काफी सारी पड़ी है, बट हाँ एक फ्रिज पूरा खाली पड़ा हुआ है. चिप्स भी खाली है, यहाँ पर अल्कोहल वाला भी पूरा खाली पड़ा हुआ है और न्यूज पेपर्स भी लग रहा है सारे के सारे बिक गए हैं. और आइसक्रीम भी पूरी खाली है. वेट अभी तो मुझे काफी कुछ ऑर्डर करना पड़ेगा. गार्बेज कलेक्शन की गाड़ी मंगा लेता हूँ ताकि इसने जितनी सफाई करी है जितना कूड़ा बटोरा है वो सारा ले जाए. एक कस्टमर आया था उसको सामान दे दिया, अब सामान ऑर्डर करते हैं. पहले कार पार्ट्स ऑर्डर कर देता हूँ ताकि गाड़ी रिपेयर होने आए तो उसे वापस न जाना पड़े. कार पार्ट्स हो गए, प्रोडक्ट्स भी ऑर्डर कर देता हूँ. सॉफ्ट ड्रिंक्स सस्ती वाली मंगा लेते हैं फिलहाल. स्नैक्स भी इंपॉर्टेंट है, थोड़ी बहुत डिफरेंट वैरायटी रखते हैं. ओके काफी सारा सामान हो गया बट इतना सारा मैं ऑर्डर नहीं कर पाऊंगा एक बार में. ऑलराइट तो अभी कुछ कुछ सामान मैंने डिसलेक्ट करके ऑर्डर कर दिया है. जब ये सारा सामान आके बिक जाएगा ना उसके बाद हम लोग और सामान मंगवा लेंगे. वेट बाहर एक गाड़ी कब से वेट कर रही है, उसको फ्यूल भरवाना है. पहले इसकी गाड़ी में फ्यूल भर देते हैं. और यहाँ पर भी कैश रजिस्टर में काफी सारे लोग आने लग गए हैं तो मैं अपनी एम्प्लॉय को ये काम दे देता हूँ. यार ये अपनी एम्प्लॉय कहाँ पे चलेगी? वेट एक सेकंड, रुक 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 रुक, और सफाई नहीं करनी, इधर रुक. हाँ अब तू एक काम कर, कैश रजिस्टर हैंडल द रजिस्टर, लेट्स गो फटाफट, कोई देरी नहीं होनी चाहिए. काफी सारे कस्टमर्स आए हैं भाई इस टाइम अपने गैस स्टेशन में. तो यार ये क्या सफाई कर रही है यहाँ पर, इतना तो गंद मचा हुआ है. आधे से ज्यादा झाड़ू मैं ही लगा रहा हूँ. यहाँ पर देखो इसको भी नहीं निकाला पूरा पूरा, वो भरा रखा है. क्या बोले, कूड़ा भी मेरे को फेंकने जाना पड़ रहा है अभी भी. फ्यूल स्टेटस भी लो है तो थोड़ा बहुत फ्यूल भी मैं ऑर्डर कर देता हूँ, ज्यादा देर नहीं लगेगी उसको आने में. बाकी जितना सामान मैंने अभी मंगवाया था वो ट्रक यहाँ पर आ चुका है. लेट्स गो जल्दी से चल के अपने वेयर हाउस का शटर ओपन करते हैं. ले आओ सर अंदर ट्रक ले आओ. एक शेल्फ भर दिया और प्रोडक्ट्स उठाए यहाँ पे, और बाकी शायद से अब कार पार्ट्स भी हैं और भी काफी सारे प्रोडक्ट्स उसमें आए हैं. लेट्स गो ये भी हो गया. चलो मुझे अपने वेयर हाउस को ना अभी और अपग्रेड कर देना चाहिए ताकि यहाँ पर एक आध शेल्फ और आ जाए. मतलब यहाँ पर जितने ज्यादा शेल्फ होंगे उतना ज्यादा हम लोग सामान यहाँ पर स्टोर करवा पाएंगे. फिलहाल अभी मुझे यहाँ से चलना चाहिए. सर जाओ ना यार जल्दी से अपना ट्रक लेके यहाँ से फटाफट, ना खराब कर रखा है. लेट्स गो इसको बंद करके भी मैं यहाँ से चलता हूँ. मुझे ना अभी फटाफट से एक नए एम्प्लॉय को बुला लेना चाहिए. और यार इसने क्या क्लीनिंग करी है, बाथरूम पूरा गंदा पड़ा हुआ है यहाँ पर, ये देख रहे हो टॉयलेट का क्या नाश पीटा हुआ है. अभी ना गाइस मुझे बस थोड़े बहुत टास्क और करने हैं और फिर अपना गैस स्टेशन जो है वो नेक्स्ट लेवल पे मीन्स फोर्थ लेवल पे अपग्रेड हो जाएगा और फिर काफी सारी चीजें अनलॉक हो जाएगी. और आज के इस वीडियो में मैं इसे फोर्थ लेवल पे अपग्रेड करके सारी
चीजें अनलॉक करके ही जाऊंगा। लेट्स गो। एक गाड़ी रिपेयर होने के लिए आई थी और इसकी गाड़ी में टायर चेंज कराना है, स्क्रैच रिमूव करवाना है। फिलहाल मैंने टायर्स मंगवा लिए हैं और मैंने टायर मंगवाए हैं। एक सेकेंड, टायर आए नहीं क्या अभी? शायद से एक ट्रक, ओके शायद से दूसरा ट्रक आ गया है। मैंने, यार ऐसा नहीं हो सकता। ओ नहीं 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 नहीं, शायद से मैंने टायर कार्ट में ऐड तो करे थे बट मैं उसे ऑर्डर करना भूल गया। मैं अभी ऑर्डर कर देता हूँ दोबारा। ओके, अभी मैंने दोबारा से कार के जो पार्ट्स है वो ऑर्डर कर दिए हैं। अपने पास कुछ स्क्रैच रिमूवर पड़े हैं, तीन मेरे पास पड़े हुए थे तो यहाँ पर यूज कर देता हूँ इसकी गाड़ी में। मुझे ना अभी सबके लिए आधा अधूरा काम करना पड़ रहा है। सॉरी मैम, आपकी गाड़ी के टायर बाद में चेंज कर दूंगा और कभी, अभी अपने पास टायर्स हैं नहीं। फिलहाल अभी जितना सामान आया था ना अपने वेयर हाउस में उनको यहाँ पर मैं रखवा देता हूँ। सबसे पहले इस वाले फ्रिज में, इधर ये रखवा दिया, इधर ये रखवा दिया और कुछ चिप्स थे उसको यहाँ पे रखवा देते हैं। अल्कोहल सी काफी सारी तो मैं सारी की सारी रख दूंगा यहाँ पे अभी। और कार के पार्ट्स तो नहीं है। न्यूज पेपर सर, वेट है ये वाला न्यूज पेपर? यार ये चला गया। तो बैकोस भी यहाँ पर रख देते हैं। आइसक्रीम भी मंगवाई थी तो आइसक्रीम भी मैं उतरी। आइसक्रीम तो अपने पास काफी सारी है, सारी भर दो इस फ्रिज में। तो अभी जो मैंने कार पार्ट्स ऑर्डर करे थे वो भी आ चुके हैं तो जल्दी से चल के इसको मैं यहाँ पे रखवा देता हूँ और फिर इसके बाद मुझे इसे ले जाकर अपने गैराज के अंदर रखना होगा। लेट्स गो, चलते हैं अभी। ऑल राइट, तो टायर मैंने 6 मंगवाए थे, 6 के 6 यहाँ पे रखवा देता हूँ। सॉरी मैंने 5 ही मंगवाए थे। ओके, 5 टायर हो गए और यहाँ पर काफी सारे मिरर मंगवाए थे और स्क्रैच रिमूवर्स मंगवाए थे जो कि मुझे यहाँ पे रखने हैं। मुझे ना अपनी इस वर्कशॉप को भी अपग्रेड करना चाहिए क्योंकि जब तक मैं इसे अपग्रेड नहीं करूंगा तो लोग यहाँ पर सिर्फ अपनी गाड़ी के टायर चेंज करवाने और छोटे मोटे काम के लिए आएंगे, बट जैसे अपग्रेड करूंगा तो ऐसे इंजन ऑयल वगैरह चेंज करवाना ये सब भी ईजी काम होंगे। और वेट, अभी तेरे यहाँ पर कोई कस्टमर नहीं है ना, तो एक काम कर, फटाफट से गैस स्टेशन को साफ कर, यहाँ पर बहुत गंदगी हो रही है। गाइस अभी ना फिलहाल इसने क्लीनिंग तो कर दी है और अभी ना मेरे को एक चीज टेस्ट करनी है, क्या इसे कार रिपेयर करनी आती है या फिर नहीं। क्योंकि अगर इसे कार रिपेयर करनी नहीं आती होगी ना तो मुझे 100% न्यू एम्प्लॉय की जरूरत पड़ने वाली है। तो यहाँ पर एक कस्टमर आया था लगे हाथ, मैंने इसको गाड़ी रिपेयर करने के लिए भेज दिया है और अब देखते हैं आखिरकार ये कैसे इस कार को रिपेयर करती है। इसने बोनट ओपन कर दिया है और भाई साहब इसकी गाड़ी में क्या दिक्कत थी, बोनट तो मैंने नहीं खोल के देखा आज तक किसी कार का। ओके, तो ओ वेट, भाई साहब इसको गाड़ी बहुत अच्छे से रिपेयर करनी आती है। नहीं नहीं नहीं, ये तो अब अपनी परमानेंट एम्प्लॉय है, इसको हम लोग नहीं छोड़ने वाले। फिलहाल आज के दिन इसने बहुत ज़्यादा काम कर लिया तो इसकी अब छुट्टी का टाइम है। वेट, अब ये ले तेरी पेमेंट आज की कितनी चाहिए? $86। ओके ठीक है, अब जा तू अपना रेस्ट कर ले, ठीक है, गो इन अ ब्रेक, लेट्स गो। मैं चल के अब एक न्यू एम्प्लॉय को भी हायर कर लेता हूँ क्योंकि जब ये रेस्ट पे जाएगी तो भी कोई ना कोई होना चाहिए जो अपना काम में हाथ बटाए। भाई वेट, अभी ना काम करते करते गैस स्टेशन में बहुत ज्यादा गंदगी मच गई और ये देखो इन सबको परेशानी हो रही है। सॉरी मैम, सॉरी, मैं सफाई कर रहा हूँ, टेंशन क्यों ले रहे हो। इसको उठा के फेंका इसके अंदर और बाहर एक लेडी अपनी गाड़ी में फ्यूल भरवाने के लिए वेट कर रही है। तो टोटल मुझे 45 कार्स में फ्यूल भरने थे जिसमें से मैं 35 में भर चुका हूँ। अब बस 10 कार में फ्यूल और भरना है फिर अपना गैस स्टेशन अपग्रेड हो जाएगा, मींस मैं अपग्रेड कर पाऊंगा। गाइस तो अभी ना मैंने एक बहुत मस्त चीज ढूंढी जो कि मुझे पहले नहीं पता थी। मींस मुझे अपने एम्प्लॉय से जब भी कोई काम होता था तो मैं सीधा उसके पास जाता था। अब जैसे मान लो एक गाड़ी गैराज में आई है तो मुझे अपने एम्प्लॉय से रिपेयर करवानी है तो मैं नॉर्मली यहाँ से जाकर भी उससे फोन से बात करके उसे टास्क दे सकता हूँ। तो अभी मैं इसे बोलता हूँ सीधा रिपेयर कार के लिए और ये रेस्ट कर रही थी और अभी देखो इसका आधा ही रेस्ट हुआ था बट एक कार रिपेयर करने के लिए शायद से, वो देखो वहां से आ रही है, लेट्स गो। तो मुझे अभी इसे बार बार ढूंढने की जरूरत नहीं है, मैं सीधा अपने कंप्यूटर पे आऊंगा और वहीं से आके अपने कंप्यूटर के थ्रू मैं इसको टास्क दे सकता हूँ, लेट्स गो। ये काफी ज्यादा सिंपल था। फिलहाल एक गाड़ी हो रही है फ्यूल भरवाने तो उसने भी गाड़ी रिपेयर कर दी है। अब मैं सीधा उसको कैश रजिस्टर के लिए बुला लेता हूँ टास्क लिस्ट और सीधा आ जा तू हैंडल द रजिस्टर, लेट्स गो। वो अभी यहाँ पर आने वाले हैं, अभी ये मेरा काम नहीं है। वैसे गाइज अभी ना देखो मेरे को एक बहुत अच्छी चीज पता चली है, ये एक सेकेंड, मैं यहाँ पर जितनी गाड़ियाँ आती है ना अपनी इस पार्किंग में पार्क होती है मैं उन गाड़ियों में से चोरी भी कर सकता हूँ। बट हाँ ये काम मैंने पहले तो सीखा था बट अभी मेरे को समझ नहीं आ रहा कैसे होता है। डी और ए से रोटेट होगा देन स्पेस बार से इसे अनलॉक कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी डी और ए से रोटेट और स्पेस, ओके अभी समझ आ गया ये किसी ना किसी पोजिशन में खुल जाएगा बट अगर मैं पकड़ा गया इस काम में तो बहुत जेल वेल तो नहीं हो जाएगी पता चला। एक अलग, ओ वेट ये यहाँ पर खुल रहा था, हो गया ओपन हो गया, ओपन नहीं हुआ, वेट ओ हो जा यार ये अगर ओपन उतरी, ओ नहीं उतरी, फुफंदे ने मुझे गाड़ी से चोरी करते हुए देख लिया यार और अपनी पॉपुलैरिटी डाउन होगी ना, शेट यार अपने गैस स्टेशन की पॉपुलैरिटी डाउन होगी, नहीं करना था ना मुझे। बट हाँ क्या पता उसकी गाड़ी से बहुत कुछ अच्छा निकल आता पैसे वैसे वाला। फिलहाल यार अभी मैं अपग्रेड पे ध्यान देने वाला हूँ। तो ये अभी गैस स्टेशन में जा चुकी है और मैं इसकी गाड़ी से आराम से चोरी कर सकता हूँ। क्या पता कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट इसकी गाड़ी में, ओ तेरी
मास्टर लॉक लगा हुआ है भाई, इसको खोलना मेरे सबसे हार्ड होगा, मैं क्योंकि इजी वाला नहीं खोल पाया था। ये तो खैर मास्टर लॉक है, लेट्स गो पीछे करके कैसे खुलता है ये। ओ नहीं भाई, मैंने नहीं करा यार, भाई मैं नहीं खोल रहा यार, कोई भी लोग हर बार शोर मच जाता। और वो देखो वो लड़की अच्छा खासा हमारे गैस स्टेशन से सामान खरीदने आई थी, उसकी गाड़ी में सायरन बजा, वो भाग के भी अपनी गाड़ी के पास आ चुके। मैं नहीं करूंगा आपसे। ओए ओए रुक जा तू सीधा भी जा यहाँ से, सीधा गैराज में गाड़ी रिपेयर होने आई है, रिपेयर कार्स, लेट्स गो। ऑल राइट गाइस, तो अभी फिलहाल अगला दिन हो चुका है और अपने गैस स्टेशन का काम भी काफी ज्यादा सही चल रहा है। फिलहाल यहाँ पर काफी ज्यादा भीड़ लगी है, लोग इतना ज्यादा सामान जो खरीद रहे हैं। मुझे बस तीन से चार नहीं, मुझे अभी सिर्फ 7 कार में और फ्यूल भरना है, फिर अपना गैस स्टेशन अपग्रेड हो जाएगा। और इसी बात पे एक गाड़ी यहाँ पर आ चुकी है फ्यूल भरवाने के लिए। बाकी अभी ना मैं सोच रहा हूँ कि एक बारी और ट्राई करा जाए यार लॉक पिक वाला चीज, क्या पता इसकी गाड़ी में थोड़ा सस्ता लॉक हो, मैं ट्राई नहीं कर। इसकी अच्छा इसकी गाड़ी में वो ही नहीं है, वाह आगे की तरफ, ओह आगे से है, कोई देखेगा तो नहीं ना, रेड वाली कार छोड़ो ना, भाड़ में ना देखी जाएगी क्या होता है। लेट्स गो, सिंपल लॉक है इसकी गाड़ी में, इसको मुझे घुमाना है राइट को, और ये नहीं हो रहा, रुक जाओ यार। मैं इसे सीखा था, मैंने शुरुआत में इस गेम के ट्यूटोरियल में हमने देखा था कैसे होता है अनलॉक, जैसे ये घुमा और अनलॉक हो जाए यार। अबे हर बारी फेल हो रहा हूँ मैं ट्राई नहीं करने वाला, मेरे को आता ही नहीं, मैं बाद में एक बारी सीख के आऊँगा अच्छे से फिर करेंगे। ओ वेट भाई साहब, अपने गैस स्टेशन पे भी भर के बंदे आने वाले हैं, बस अपनी एम्प्लॉय छुट्टी ना मार ले। लेट्स गो, इसकी गाड़ी में मैंने फ्यूल भर दिया, जल्दी 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 अंदर चलो, सारा सामान खरीद रहा हूँ फटाफट से, मैं और सामान ऑर्डर कर देता हूँ यहाँ से क्योंकि अभी पूरी भीड़ लगने वाली है। लेट्स गो प्रोडक्ट्स, और मुझे जाना है सॉफ्ट ड्रिंक्स, मंगा लो भाई सारी मंगा लो, पैसा सारा लगा देंगे आज इस पे। स्नैक्स की भी कोई कमी नहीं होनी चाहिए भाई, सिगरेट सबसे पहले, अल्कोहल भी चाहिए होगी हमें, आइसक्रीम पड़ी हुई है, कार केयर का सामान भी मंगा दो, सब खरीद लेते हैं लोग। लेट्स गो चल के कर देते हैं इसे ऑर्डर, बट जगह नहीं है क्या। ओके काफी सारा सामान मैंने ऑर्डर कर दिया और ये लोग, वेट वेट मैं सफाई कर रहा हूँ, सॉरी सर सॉरी सॉरी, आपको नहीं आएगी स्मेल फालतू की, वेट भाई उल्टा बोलने लग जाते हैं इनको बदबू आते तो। भाई अभी तो भर के अपना सामान यहाँ से बिकने वाला है और क्या ही कमाई होगी आज। वेट अपनी एम्प्लॉय रेस्ट पे चली गई, इसको मुझे बुलाना होगा, वेट मैं पहले इसकी पेमेंट कर देता हूँ तभी जल्दी से भाग कर आएगी। आजा भाई फटाफट से हैंडल द रजिस्टर, लेट्स गो। हाँ सर आपको बस आपके करवा रहे सामान, 2 मिनट रुक जाओ मैं सफाई कर दूँ ना। अभी क्या कल आएगी क्या भाई कैश रजिस्टर पे। ओके फाइनली ये भाग कर आ चुकी है। अरे यार एक ही ये वाली ड्रिंक तो नहीं है ना कल। अबे नहीं है, अब एक्टिंग कर करके क्या दिखा रहा है। गाइस अभी ना अपने गैस स्टेशन पे सच्ची में इतने सारे कस्टमर्स आ रहे हैं कि शायद से 2 से 3 एम्प्लॉय भी कम पड़ने वाले हैं। फिलहाल हाँ अपना काम एकदम मस्त चल रहा है, वहां पर अपनी एम्प्लॉय सही से लोगों को सामान बेच रही है। ओए वेट इसका ट्रक अंदर ही रह जाएगा यार। लेट्स गो दोबारा से खोल के बंद करता हूँ और जितना नया सामान आया है इसको भी लगाते हैं। ओ भाई साहब क्या भीड़ चल रही है अभी तक। वेट 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 मैं फ्यूल भर देता हूँ पहले। अभी भी 6 कस्टमर और है कैश रजिस्टर की लाइन में, बाकी जो नया सामान आया है उसको यहाँ पे रखवाते हैं। चिप्स आए हैं काफी सारे, सबके सब रखवा दो। ड्रिंक्स भी आई है, सारी ड्रिंक्स भी रखूंगा। लेट्स गो भाई सारे के सारे फ्रिज पूरे भर चुके हैं। न्यूज़पेपर आए थे तो 5-5 अलग अलग वैरायटी के रखवा देता हूँ। टबैकोस भी थोड़ी बहुत आई थी, बस फ्यूल खत्म हो रहा था इसलिए फ्यूल वाले भाई सबको बुलाया था, इसको भी करवा देते हैं। बाकी गैराज में एक बंदा वेट कर रहा है, चल पहले तो इन तीनों को निपटा दे फिर उसके बाद गैराज में गाड़ी रिपेयर करनी है। लेट्स गो, इसको मैंने अभी कार रिपेयर करने के लिए भेज दिया, यहाँ पर एक ही कस्टमर बचा था ये पुलिस ऑफिसर, इनको मैं सामान दे देता हूँ। मैं सच्ची में भी एक और नया एम्प्लॉय रखना चाहता हूँ, बट उसके लिए जैसा कि मैंने बताया गैस स्टेशन एक लेवल अपग्रेड होना चाहिए। फिलहाल एक गाड़ी आ चुकी है, बस अब 3 कार में और फ्यूल भरना है फिर गैस स्टेशन अपग्रेड हो जाएगा। आओ सर बाहर आ जाओ, बस वेट वेट वेट, अबे जल्दी टाइम नहीं। ओके लगाया और फ्यूल फिल्ड, लेट्स गो। यार टॉयलेट की सफाई ना कसम से काफी दिनों से नहीं हुई है, मींस काफी देर से नहीं हुई है, दिन क्या वैसे हाँ हो सकता है भाई गेम के 2-3 दिन बीत गए हूँ जब से मैं खेल रहा हूँ। लेट्स गो गाइस, अभी फिलहाल मैं अपने गैस स्टेशन के अंदर बैठ के पेंट कर ही रहा था और सामने देखो भाई अभी बस मुझे एक गाड़ी में और फ्यूल भरना है फिर अपना गैस स्टेशन अपग्रेड हो जाएगा और वो फाइनल कार भी आ चुकी है। थैंक यू सो मच मैम, लेट्स गो, टास्क कंप्लीट। अब हम लोग अपनी गैस स्टेशन को लेवल 4 पे अपग्रेड कर सकते हैं। अपनी एम्प्लॉय कहाँ पर है, वेट उसको मैं फिर वहाँ जा रहा हूँ, उसको मैं यहीं से बुलाता हूँ ताकि वो कैश रजिस्टर को हैंडल करे। वेट वेट वेट, एम्प्लॉय स्टार्ट टॉकिंग, टास्क लिस्ट और हैंडल द रजिस्टर। और अभी मुझे जाना है गैस स्टेशन को अपग्रेड करने के लिए, गैस स्टेशन लेवल 4 पे जाते हुए इसी के साथ। और वेट ये कितना बड़ा हो गया लेफ्ट साइड में ना, नाइस। एक सेकंड मुझे देखना, ओ भाई साहब पहले यहीं तक था और अभी देखो एक्स्ट्रा एरिया आ चुका है। सर 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 वेट, चलो आप पहले सामान ले लो ठीक है, मैं इसको बाद में अच्छे से एडजस्ट करूँगा। अभी यहाँ पर कितना ज़्यादा बड़ा लग रहा है यार ये,
ये ऑलमोस्ट पूरा सामने वाली वर्कशॉप से जाके अटैच हो चुका है। अभी आने वाली है एक बहुत बड़े स्टोर वाली फील, अंदर से लेफ्ट साइड में काफी ज्यादा आगे तक चला गया है। और मुझे एक चीज चेक करनी है कि अब मैं नई चीजें क्या क्या अनलॉक कर सकता हूँ। अगर मैं फीचर्स में जाऊँ और यहाँ पर जो अदर वाला ऑप्शन है, इसके अंदर से मैं पता कर सकता हूँ क्या क्या चीजें अनलॉक हुई है। जैसे मैं पार्किंग का एक एक्स्ट्रा स्पेस खरीद सकता हूँ, ठीक है, और मैं अपने टॉयलेट को भी $250 में और बड़ा बना सकता हूँ, और साथ ही यहाँ पर एक नया फ्यूल डिस्पेंसर लगा सकता हूँ, और एक और फ्यूल अच्छा, मैं अपने बस स्टैंड के पास भी फ्यूल डिस्पेंसर लगा सकता हूँ क्या? मुझे फोर्थ वाला ऑप्शन समझ नहीं आया और ना ही मैं इसे परचेस कर पा रहा हूँ। खैर, ये वाला फ्यूल डिस्पेंसर तो परचेस कर लेते हैं, ज्यादा बढ़िया रहेगा। और साथ ही जो न्यू टॉयलेट है इसे भी परचेस कर लेते हैं। थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा पार्किंग स्पेस है, ये भी परचेस कर लेते हैं। कार पार्क होगी, अपना ही फायदा है। बाकी मुझे ये नहीं समझ आया कि आखिर वो कार वॉश वाला सिस्टम कैसे अनलॉक होगा यार, ये काफी ज्यादा खराब है। लेट्स गो, एक गाड़ी और फ्यूल भरवाने के लिए आई है, इसकी गाड़ी में फ्यूल भरते हैं। गाइस, हमें एक मेल आई हुई है जिसमें लिखा हुआ है कि ये सैंडस्टॉर्म का सीजन है, शायद अपने गैस स्टेशन पे कोई बहुत खतरनाक सैंडस्टॉर्म आ सकता है। मैंने अच्छे से उस मेल को रीड नहीं करा क्योंकि अपने पास फालतू टाइम नहीं है। बाकी यार ये देखो, पहले अपने पास सिर्फ इतना ही एरिया था फ्यूल भरने के लिए, और अभी अपने पास एक डिस्पेंसर हो रहा है, यानी कि अब ज्यादा गाड़ियां फ्यूल भरवाने आएगी। मतलब हम अपने काम को और भी अपग्रेड करता जा रहे हैं, तो अब एक नए एम्प्लॉय की जरूरत सच्ची में बहुत ज्यादा है। फटा, अभी रात हो रही है, कल नया एम्प्लॉय बुलाते हैं। एक कॉल आ रहा है जिसमें उस मेल को सैंडस्टॉर्म आ गया क्या सच्ची में? भाई सही में सैंडस्टॉर्म आ रहा है, ये देखो। अबे पनौती इसकी कॉल के बाद ही आया है। वेट 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 वेट, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगा ना सैंडस्टॉर्म से? लग रहा है पूरा गैस स्टेशन गंदा हो जाएगा, ये कोई मेरे को बहुत बड़ी प्रॉब्लम लग रही है सैंडस्टॉर्म वाली। मेरा तेरी भाई बिजली कड़की, पूरा सैंडस्टॉर्म टूट ना जाए। भाई मुझे कुछ नहीं पता क्या होने वाला है, मैं अपने काम पे फोकस करता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कुछ तो बहुत गलत सीन होने वाला है क्योंकि सामने की तरफ में बहुत ज़्यादा धूल उड़ रही है, बहुत शोर सा मच रहा है। और हाँ, मैंने सोचा था कि अब अपग्रेड हो ही चुका है तो क्यों ना इस मशीन को, मतलब इस शेल्फ को उठा के मैं थोड़ा कोने में ले जा के रख दूँ, अपने पास ज़्यादा स्पेस हो जाएगा। सेम मैं इस वाले शेल्फ को भी ले जा के उस कोने में रखवा देता हूँ क्योंकि अपने को स्पेस की बहुत ज्यादा जरूरत है। इसका जितना सामान था वो सारा इसमें रखवा देते हैं, इसमें भी काफी सारा सामान पड़ा था, सारा इसमें रखवा देता हूँ। बाकी अभी मुझे अपना गैस स्टेशन सच्ची में काफी ज्यादा बड़ा बड़ा लग रहा है। ओ भाई हेलो, बाहर ये क्या हो गया? वेट एक सेकेंड, ये एक स्टोरी मोड गेम है या सिमुलेटर है? ये काफी ज्यादा गलत है, मैं अपना काम पे पूरा फोकस रखूंगा, कुछ भी हो जाए भाई, सैंडस्टॉर्म है चाहे कुछ भी हो, हम लोग को भी अपने गैस स्टेशन से पैसा कमाने से मतलब है भाई। ओ हेलो हेलो, इस टाइम रेट डबल हो गया भाई, अगर मैं रेट डबल कर देनी चाहिए इस टाइम पे। बाकी अपनी एम्प्लॉय सो रही है, उसको भी बुलाओ, तू भी उठ भाई, अभी सैंडस्टॉर्म में तो काम करने का अलग मजा है। हैंडल द रजिस्टर फास्ट फास्ट फास्ट, कोई देरी नहीं चाहिए अभी, गैस स्टेशन का फ्यूल खत्म है, फ्यूल वालों को भी बुलाओ। दो डिस्पेंसर है तो मैं 200 लीटर ऑर्डर करूंगा अभी सीधा। फिलहाल ये सैंडस्टॉर्म कोई ज्यादा देर का नहीं था, थोड़ी देर के लिए आया था, अभी जा चुका है और पीछे से आया था, वो देखो सामने तक में गया है और फाइनली हाँ। ओ वेट, मैं समझा अब क्या हुआ है, इस सैंडस्टॉर्म से ना जगह जगह पर ये देख रही हूँ मिट्टी सी आ गई है। अब जो भी लोग सामने से गाड़ी लाएंगे उनकी गाड़ी यहाँ पर अटकेगी। वेट, इसका मेरे पास जुगाड़ है, रूडी लेट्स गो, इसको लेकर आते हैं और जहाँ जहाँ पर ये मिट्टी बैठ गई है मुझे वहाँ से उसकी सफाई करनी होगी, और काफ़ी दिनों बाद मैं इसको चलाने जा रहा हूँ। लेट्स गो, इसका फ्यूल बहुत तेज़ खत्म हो जाता है यार। लो, मैं बोल ही रहा था इसका फ्यूल खत्म हो जाता है, शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। वेट, मेरे को इससे बाहर निकलना होगा, अपने पास ये जेरी कैन है, इसमें फ्यूल है क्या? F to interact, try करता हूँ, नहीं है, मेरे को भर के लाना है। वेट, ये अपनी एम्प्लॉय कहाँ है? अभी भी रेस्ट कर रही है। ओ सॉरी, मैंने उसको लास्ट पेमेंट नहीं करी ना, इसलिए शायद वो काम कर रही नहीं है। ले यार तू अपनी लास्ट पेमेंट ले, अब आके हैंडल कर रजिस्टर, इतने सारे कस्टमर्स वेट कर रहे हैं। सॉरी सॉरी गाइज, बस आ रहे। ओ बदबू, वेट वेट वेट, सफाई हो जाएगी, रुक जाओ भाई, कितने ड्रामेबाजी है। अगली सुबह होते ही मैं एक नए एम्प्लॉय को हायर करने वाला हूँ, अभी सच्ची में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। और सॉरी सर, फ्यूल पूरा खत्म हो गया भाई, मतलब मैं उसकी गाड़ी में भी पूरा नहीं पहुंचा पाया। रुक जाओ, फ्यूल ऑर्डर करा था ना मैंने 200 लीटर, आ गया होगा अब तक तो। वेट, ओ आ तो गया, चलो फिर जल्दी से डालो इन टैंक्स में और मैं बाकी काम करता हूँ। ऑलराइट गाइस, तो अभी ना मुझे ये जो मेरे अंकल है ना, जो अपने गैस स्टेशन के लिए मैं अच्छी अच्छी टिप देते हैं, इन्होंने एक टास्क दिया है। ये कह रहे हैं कि एक ना एक बंदा है जो राउट 66 पर अभी निकला है, जिसके पास कुछ इम्पोर्टेंट कार्गो है, मतलब कुछ वैल्यूएबल कार्गो है, बहुत महंगी कोई आइटम उसने अपनी गाड़ी में रखी हुई है, और जब वो अपने गैस स्टेशन पर रुकेगा तो हम लोग उसकी गाड़ी से चुरा सकते हैं। बट मैं 2-3 बारी इस काम में फेल हो चुका हूँ, मैं श्योर हूँ मैं उसकी गाड़ी का लॉक नहीं खोल पाऊंगा। अबे क्या हो गया भाई, यहाँ जाम क्यों लगा रखा है? ओ सॉरी, ओ तेरी मेरी वजह से लगा हुआ है जाम, रुक जाओ रुक जाओ। अरे सर हटा रहा हूँ यार, एक मिनट रुक जाओ, मेरे पास एक जुगाड़ है,
असली ओ भाई मेरी तेरी भैंस की इसको उठा। हाँ, इसको थोड़ा सा उधर करने दो। ये ग्लिच है गाइस इस गेम का जिसे मैं बहुत अच्छे से यूज करता हूँ। भाई कितना ज्यादा ट्रैफिक। अच्छा आपको गैराज में जाना है। वेट वेट वेट, ये लो इसको उधर कर, उधर चल बस अभी ठीक है। ले जाओ ले जाओ ले जाओ तू और उधर चल। वैसे मेरा मन तो है इसमें फ्यूल भर के इसे हटाऊं बट हाँ इतना टाइम नहीं है ना। ये हॉर्न बजाए जा रहे हैं। लो जाओ अब कोई हॉर्न नहीं बजाएगा, मारूं एक एक को। हाँ तो गाइस मैं ये कह रहा था कि मुझे लॉक पिक करना यार अभी सही से नहीं आता है, पर अगर उसकी गाड़ी आई और मैं नहीं लॉक ओपन कर पाया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। उसने मुझे उसकी गाड़ी की फ़ोटो तो भेजी है बैक साइड से बट अभी तक वो गाड़ी यहाँ पर नहीं आई है। किसी और की कार में ट्राई करके देखो क्या यहाँ पर एक गाड़ी। ओह वेट वेट वेट, ये बंदा अभी आया है। सर 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 टॉयलेट उस साइड है। हाँ बिल्कुल। अरे भाई भाई ये चला गया। अभी एक बार ट्राई करता हूँ यार। मैंने एक बार बीच में करा हुआ है, पता नहीं मैं अभी कैसे नहीं ओपन कर पा रहा हूँ। मेरे को क्या करना है इस पर। होल्ड स्पेस बार टू ओपन द ट्रंक। ओके स्पेस बार होल्ड करा, नहीं हो रहा। अब ए से रोटेट करा, अब नहीं हो रहा। ओ इतना सिंपल था। मुझे इसमें से $11 मिल गए हैं और एक पिंक कुछ तो था बट मैं ढंग से रीड नहीं कर पाया। बट हाँ मेरा अबे बहुत सिंपल है यार, क्या इतनी देर से मैं टाइम खराब कर रहा था। ओ हाँ वेट, एक चीज़ तो मैं भूल ही गया। मैंने बोला था कि अगले दिन हम एक नया एम्प्लॉय रखने वाले हैं लेवल 4 का जो अपना हो चुका है गैस स्टेशन। तो जल्दी चलते हैं अभी हायर पे। नहीं पहले मुझे ट्रेलर खरीदना पड़ेगा उसके लिए, तो इसको कर लेते हैं बाय। और इसी के बगल में भी एक ट्रेलर और आ चुका है, लेट्स गो। अब मुझे चल के एक नए एम्प्लॉय को हायर करना होगा। अपने पास नीना है, नीना की स्किल्स लेवल तो फ्यूलिंग का 2 है, क्लीनिंग का 2 है, कैश रजिस्टर का 3 है और रिपेयरिंग का 2 है। ये जो बंदा है रिकार्डो या रिकार्डो ही इसका नाम है और इसका बहुत ज़्यादा भाई तू आ जा, तू ज़्यादा बढ़िया बंदा लग रहा है। इसका हर चीज़ का लेवल 3 है, ये इससे भी ज़्यादा प्रो है। लेट्स गो, उसको मैंने बुला लिया। ओए खाली नहीं बैठना, इधर आ तेरी ऐसी की तैसी। इससे हम काम करवाने वाले हैं एम्प्लॉय, ये रहा। लेट्स गो, इसको मैं टास्क देता हूँ कार रिपेयर, हैंडल द रजिस्टर। हाँ तू रजिस्टर हैंडल कर यार, यहाँ सबसे ज़्यादा भीड़ रहती है। और तू एक काम कर, तू गाड़ियों में फ्यूल भर ठीक है ना, और गैस स्टेशन बाद में साफ कर देगी तू ही, मतलब इसी से करवाऊंगा। भाई एक सेकंड, इसकी ऐसी की तैसी बड़ा आलसी है। मैं इसको बोल के आया हूँ कि यहाँ पर आके इधर आइयो, तेरी ऐसी की तैसी बोला है ना हैंडल द रजिस्टर, आया क्यों नहीं भाग के। अच्छा शायद उस टाइम पर वो उसने ले रखा था इसलिए नहीं आया। बाकी गाइस वेट 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 वेट, एक चीज आप लोगों ने नोटिस करी, ये वही कार है जिसमें उसने बोला था कुछ इंपॉर्टेंट कार्गो। वेट 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 वेट, मुझे अभी इसकी गाड़ी का लॉक ओपन करना। बिग कितना सस्ता लॉक लगा हुआ, बिगिनर्स लिखा हुआ उस पर। वेट स्पेस नहीं हुआ अभी, नहीं ओह हो गया। अबे चल बे, $8 से गलत गाड़ी पकड़ ली हमने, सॉरी किसी और की गाड़ी से। बट आया ठीक है, बैठे बैठे 8, 9, 10, 11, 12 डॉलर्स आ रहे तो क्या दिक्कत है भाई। अभी ये बंदा भी गया गाड़ी खड़ी करके, इसकी गाड़ी ले जाओ भाई। ये हमने गलत बना लिया भाई। अब पार्किंग, ओ भाई मास्टर लॉक है। मैं ट्राई करता हूँ मास्टर लॉक अनलॉक हो पाता या नहीं। स्पेस ओ वेट, मैं इसे अनलॉक ट्राई करते हैं, नहीं हुआ नहीं हुआ नहीं हुआ। और इस लेफ्ट राइट में ट्राई करता हूँ एक बारी, नहीं हुआ नहीं हुआ। लेट्स गो, हो गया शायद से फाइनली। नहीं हो रहा यार ये वाला, वेट एक बारी फाइनल ट्राई है प्लीज़। नहीं हो रहा भाई, वेट अभी इसके बाद और मैंने ट्राई करा ना तो उसकी गाड़ी में एक सायरन बजने लग जाएगा और बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये है गाइस अपना नया एम्प्लॉय, यहाँ पर खड़े होकर एकदम मस्ती में अच्छे से काम कर रहा है। चल भाई कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब अपने गैस स्टेशन में काफी ज्यादा शांति नहीं है गाइस। देखो अभी ना मुझे काफी सारा सामान ऑर्डर करना पड़ेगा क्योंकि अपने गैस स्टेशन में काफी सारे कस्टमर्स आने लग गए हैं और प्रॉब्लम यह है कि वो काफी सारा सामान भी खरीद रहे हैं तो बात बात पे सामान खत्म हो जा रहा है। वैसे सामान ऑर्डर करने से याद आया कि अगर अपग्रेड हुआ है तो हम लोग कुछ ना कुछ नया आइटम भी तो रख पाएंगे ना। प्रोडक्ट्स में चलकर देखते हैं क्या हम लोग। हैट एंड ग्लासेस हम लोग अपने गैस स्टेशन में भी ये भी रख सकते हैं। लेट्स गो, इसके शेल्फ कहाँ पर है मेरे को वो खरीदने पड़ेंगे। शेल्फ्स और मुझे हैट्स का शेल्फ चाहिए, $219 का दे दो और ग्लासेस का भी एक शेल्फ दे दो। लेट्स गो, दोनों खरीद लिए। अब कुछ हैट्स परचेज करते हैं, डिलीवरी प्रोडक्ट्स, और यहाँ से मुझे परचेज करनी है हैट। $15 वाली दे दो, $22, $19, $9 वाली। और ग्लासेस की अगर बात करें तो ग्लासेस ये वाले अच्छे हैं, ये इसको सस्ते वाले नहीं है क्या यार। ओ महंगे वाले उठा, नहीं महंगे के पैसे नहीं हम पे ना। ओके सामान तो मैंने काफ़ी सारा सिलेक्ट कर लिया है बट मेरे पास थोड़ा ही पैसा है, पर ये सारा का सारा ऑर्डर हो जाएगा। अब ये जितना भी खान पान का सामान है इसको ऑर्डर करने का पैसा नहीं बचा। फिलहाल न्यूज़पेपर रख देते हैं एटलीस्ट, ये तो भी के पैसा अगर खत्म हो रहा है तो दिक्कत कहाँ आ रही है। इनकी गाड़ियों से कब निकालेंगे पैसा। इधर आवे तेरी ऐसी की तैसी। ओके खुलने वाला ये, समझ लो इसकी गाड़ी को मैंने ऑलमोस्ट पूरा ओपन कर दिया। $6, थोड़ा बहुत सामान ही रखते हैं यार गाड़ी में बंदे। खैर अभी तक वो जो गाड़ी उसने मेरे को बताई थी ना अंकल ने, वो अभी तक यहाँ पर नहीं आई है जिसमें वैल्यूएबल कार्गो है। ओके तो अभी जो मैंने हैट्स और ग्लासेस परचेज करे थे वो ट्रक यहाँ पर आ चुका है
ले आओ सर अंदर ले आओ फट 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 फट। अब मुझे बस ये देखना है कि कितनी हैट्स और कितने ग्लासेस बिकते हैं और उससे हमें कितना प्रॉफिट होता है। ओके तो इसको उठा के रखा यहाँ पे। तो भी ट्रक वाले अंकल जा चुके हैं फटाफट से चल के। ये जो शेल्फ्स मैंने खरीदे थे इसको मैं यहाँ पे लगाता हूँ और मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ इसे लगाने के लिए। कहाँ थे वो वाले शेल्फ? ये रहा, लेट्स गो। इसको सिलेक्ट करके मुझे यहाँ कहाँ पे रखना चाहिए यार? ये तो एकदम फ्रंट में होने चाहिए ना, ये बंदों को आते दिखने चाहिए, ये ऐसी जगह पर मैं रखूंगा। तो इसको मैं रखने वाला हूँ यहाँ पर, हटो मोटे। हाँ ठीक है, लेट्स गो। ये यहाँ पर मैंने रख दिया है और इसके अंदर मैं कुछ रखने वाला हूँ। हटोए हैट्स, ये पांच रखते हैं, ये वाली पांच और ये वाली पांच। सारी आ गई वो तेरी? अच्छा इतने में ही सारी आ गई? मैं बहुत सारी रख सकता हूँ इतने से स्टैंड पे। वाओ, अब देखते हैं कौन कौन हैट्स खरीदता है। वह चलो तू अभी जा रेस्ट करने। अब मैं नहीं छोड़, तू ही कर अभी, मेरे कुछ मैं ऐसे ही पता कर लूंगा कितनी बिक गई। दूसरी चीज मैंने क्या खरीदी थी, वेट एक सेकंड, अभी शेल में जाके पता चलेगा। हाँ ग्लास स्टैंड, लेट्स गो। इसको परचेस करते हैं, इसे भी रोटेट। ओ ये बहुत ज़्यादा बड़ा है यार, ये काफ़ी एक्सपेंसिव लग रहा है देखने में। नहीं एक्सपेंसिव है अभी, लग नहीं रहा। तो इसको मुझे रखना है थोड़ा सा गैप यहाँ तक। यार बंदे आएंगे नहीं ना लेने, ऐसा पता नहीं इससे फ़र्क पड़ता है या नहीं कि हम लोग कहाँ पर रख रहे हैं। बट हाँ ये थोड़ी अच्छी चीज़ है, थोड़ी शोफ वाली आइटम है, तो इसको मैं यहीं पर रखने वाला हूँ। नहीं यार नहीं, इधर फिर काफ़ी ज़्यादा स्पेस खराब होगा। यहाँ पर ऑलरेडी काफ़ी अच्छा खासा स्पेस है, जिसको लेना होगा यहाँ तक आ जाएगा, नहीं लेना होगा भाड़ में जाए। लेट्स गो, इसको मैंने यहाँ पर रख दिया है। बाद में मैं अच्छे से एक एक सामान यहाँ पर सेट करूंगा। वेट, पहले इसके अंदर मैं ग्लासेस रखवा देता हूँ। 5 5 5, ओ बहुत सारे ग्लासेस है मेरे पास। तो वेट भाई, ये पूरा का पूरा शेल्फ भर गया और इन भाई साहब ने आते ही एक ग्लास खरीद भी लिया। थैंक यू सर। ये लो सफाई भी हो गई। गाइस अभी अपनी गैस स्टेशन का फ्यूल इतनी तितिस खत्म हो रहा है, मैं क्या बताऊं। 200 लीटर मैंने ऑर्डर करा था और सारा का सारा खत्म हो गया है। अपने पास ज्यादा पैसा नहीं था अभी, इसलिए मैंने 100 लीटर ही ऑर्डर करा है। भाई सर क्या कुछ आ रहा है, सामान दे। हाँ सामान क्यों नहीं दे रहे भाई? इस बंदे की ना वर्किंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, ये सुबह से लेकर रात तक बस इस काम में लगा हुआ और अभी तक ये थका नहीं। एक काम करता हूँ, इसको मैं थोड़ी देर कार में फ्यूल भरने के लिए भेजता हूँ और थोड़ी देर मैं संभालता हूँ इस रजिस्टर काउंटर को। बाकी यार आज के लिए हमने बहुत कुछ कर लिया है। सामान, हाँ वेट यार सामान बहुत ज़्यादा कम है, $350 हैं। मैं सोच रहा हूँ कि यार ना एक बड़ा लोन उठाते हैं। वेट, $1000 का लोन उठा लेता हूँ मैं और अभी काफ़ी सारा सामान ऑर्डर करते हैं। सॉफ्ट ड्रिंक्स भाई सारी ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है और स्नैक्स भी मंगा लेता हूँ, वो भी कम है। कार केयर का सामान भी बिकता ही है। अभी जिन जिन सामान का रेट काफ़ी कम चल रहा है ना, मैं सिर्फ वही ऑर्डर करने वाला हूँ, उसमें हम एडवांटेज में रहेंगे। लेट्स गो, बहुत सारा सामान मैंने सिलेक्ट कर लिया और इतना सामान $569 का है ना, सारा मंगा दो। ओ अच्छा इतना स्पेस ही नहीं है। मुझे ना जल्दी से जल्दी अपने वेयर हाउस को भी अपग्रेड करना होगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस रहेगा तो हम लोग एक ही बार में बहुत सारा सामान भी ऑर्डर कर पाएंगे। कार पार्ट्स भी मंगा लेने चाहिए मेरे को खूब सारे। गाइस मैं जब से ये नए एम्प्लॉय को लाया हूँ ना, अपने गैस स्टेशन में कस्टमर्स तो बहुत सारे आने लग गए हैं, बट भाई काम ऐसे बढ़ता जा रहा है ना, मुझे लग रहा था बस एकदम खाली बैठ जाऊँगा, मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन यहाँ तो सांस लेने का टाइम नहीं मिल रहा है। मतलब सामान इतनी जल्दी जल्दी खत्म हो रहा है, एक के बाद एक बंदे आए जा रहे हैं। और वेट यार आ रहा हूँ मैं। अभी काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स ऑर्डर करे तो फिर पता चला कि गैराज में जितना सामान था वो भी सारा खत्म हो गया है। आपको ना लेफ्ट साइड में दिख जाएगा कि कितने सारे टास्क अभी मेरे लिए पेंडिंग है। अभी ये वाला सामान आया है, बस थोड़ी देर में यहाँ पर ये देखो दूसरा वाला ट्रक भी आ गया जिसमें कार के पार्ट्स हैं। आ जा भाई आ जा। मतलब ये चीज़ भी आपने पहले नहीं देखी होगी, इतनी फास्ट फास्ट सामान मंगाना पड़ रहा है। फ्यूल अभी भरवाया था थोड़ी देर पहले, सारा लो हो गया दोबारा से, वो भी मुझे भरवाना पड़ेगा। और अच्छी बात तो है यहाँ पे कंप्यूटर है तो फटाफट से फ्यूल भी ऑर्डर करता हूँ। 100 लीटर ही ऑर्डर कर पाऊंगा, वो भी नहीं कर पाऊंगा क्योंकि पैसा ही नहीं है। कैश रजिस्टर पे 9 बंदे क्या कर रहे हैं भाई? वहाँ पर कोई बंदा काम नहीं कर रहा क्या जो इतनी भीड़ लगी हुई है? मैं एक बार चल के देखता हूँ कि आखिरकार यहाँ पे लाइन क्यों नहीं लगेगी भाई, और पैसा इसीलिए तो नहीं आ रहा। बंदे गायब है, एक सेकंड की कहाँ चलेगी? इसको हैंडल द रजिस्टर के लिए बोला था ना, इधर आ। अच्छा लास्ट पेमेंट, वेट यार तू ये ले, लास्ट पेमेंट कितनी है ले यहाँ से। अब आ भाग के, हैंडल द रजिस्टर फास्ट, कोई देरी नहीं चाहिए। भाई कसम से इतनी ज्यादा भीड़ मैंने अपने गैस स्टेशन पे कभी नहीं देखी। बैंड बजी पड़ी है यार, मतलब इतना सब कुछ होने के बाद भी मुझे लोगों की गाड़ी से पैसा चुराने की नौबत आ गई। रुक जाए, इसकी ऐसी की तैसी छोटी सी गाड़ी है ना, देखते इसकी गाड़ी में से क्या निकलता है। $5-10 निकल जाए वो भी बहुत है। लेट्स गो, ओपन भी हो गया ये तो, और $5 निकल गए, वाह। और गोल्ड व्हील रिम मिले हैं कुछ। ये जो छोटा मोटा सामान मिल रहा है ये बिक जा रहा है क्या, या फिर मैं इसे बेच सकता हूँ? मेरे कलेक्शन में दिखेगा क्या ये कहीं पर? कार पार्ट्स, कार व्हील का नहीं, नहीं ये तो अलग चीज़ है। प्रोडक्ट्स, ओ वेट वेट वेट, अभी तो मैं एक चीज़ भूल ही गया, जो सामान मैंने मंगवाया था उसे रखवाते हैं ना। सारे के सारे फ्रिज तुम्हारे भाई ने पूरे भर डाले भाई। चिप्स मंगवाए थे उसको भी यहाँ पे रखवा दूंगा। ओ थेरी, पूरा शेल भर दिया। अल्कोहल्स भी है काफी सारी, कार पार्ट्स भी है काफी सारे। टोबैको शायद से इस बारी में ऑर्डर करना भूल गया। यू हैव बीन रॉब्ड। अबे इधर कैसे चुराया इसने? वो छोटा जो बच्चा आता था वो हमारे शॉप से भाई मैं सिक्योरिटी गार्ड भी रख दूंगा। कहाँ चला गया वो बच्चा? सामान चुरा के भाग गया। वो गेट खुला हुआ था क्या उधर वाला? शायद से वाला गेट खुला रह गया क्या?
अबे यार इतनी बड़ी मिस्टेक कैसे कर दी मैंने। ये गाइस ये ओपन रह गया था, इस चक्कर में सामान चोरी हो गया थोड़ा सा। मेरे को इस चीज़ की वार्निंग इस गेम में पहले ही दी थी कि वो कभी ओपन नहीं रखना है। खैर अभी ना मैं सच्ची में बहुत ज़्यादा परेशान हो गया, मुझे अपना गैस स्टेशन बंद करने का मन कर रहा है। मैं बस उस टाइम का इंतजार कर रहा हूँ कि गैस स्टेशन पे कोई ना हो, बट ऐसा हो ही नहीं पा रहा है भाई। कार के पार्ट्स मंगवाए थे पहले, उसको यहाँ पर रखवा देता हूँ। अब ये वाली जो गाड़ी है ना, इसमें नए वाले टायर लगाने दो। ये नट सारे के सारे निकाल दिए, टायर भी रिमूव कर दिया और नए टायर को यहाँ पे प्लेस कर दिया है, और सारे के सारे नट मुझे अब टाइट करने हैं फुल स्पीड में। लेट्स गो। सेम इसी तरीके से मुझे दूसरा टायर भी लगाना है आगे वाले एरिया पे। अच्छी बात तो ये है कि कार रिपेयरिंग करने का ना बहुत ज्यादा पैसा मिल जाता है, वो भी बहुत कम टाइम में। लेट्स गो, ये हो गया। अब जो खराब टायर निकले थे वो मुझे यहाँ पर रखने होंगे, मीन्स कूड़े में फेंकने होंगे। गाइस बहुत हो गया, मैं अपना गैस स्टेशन बंद करने जा रहा हूँ अभी, मतलब परमानेंटली, अभी बस थोड़ी देर के लिए। मतलब यार एक सेकंड भी ऐसा नहीं जा रहा है कि थोड़ी देर के लिए गैस स्टेशन खाली हो। लो भाई बंद, सब निकलो यहाँ से। अब सारी की सारी गाड़ियाँ जितनी खड़ी है ना, सब लोग लेकर चले जाएंगे शायद से। भाई बहुत हो गया यार, इतने सारे कस्टमर्स आए थे, अभी बेचारे सारे वापस जा रहे हैं, बट ठीक है। चले तू भी रेस्ट कर, तेरी कितनी आज की पेमेंट कितनी है? हाँ ये ले $45 ले और सीधा अभी निकल। पहले तू एक काम करनी, गैस स्टेशन साफ करके जा भाई, बहुत ज़्यादा गंदगी मच रही है। क्योंकि अब मैं इसमें थोड़ा बहुत पेंट वेंट करने वाला हूँ अपने हिसाब से। फिलहाल वाइट काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बट ये देखो ये इधर अपग्रेड हुआ है, नया वाला रूम बना है, तो इधर भी कुछ ना कुछ बढ़िया पेंट करना होगा। और अभी अगर ओवरऑल देखा जाए तो गैस स्टेशन काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो चुका है। सैंड स्टोम आया था उस वजह से चारों तरफ काफ़ी ज़्यादा मिट्टी गिर गई थी, वो सब भी मुझे उसके थ्रू साफ करनी है। और बाकी बस स्टॉप में तो कुछ खास नहीं है, ओवरऑल देखा जाए बहुत सही हो गया। तो ये है अपने डस्ट बाउल गैस स्टेशन के लुक, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो। तो चलो गाइस आज की इस वाली वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वाली वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को जाके लाइक करना। इस वीडियो पर एम करते हैं 400,000 लाइक के लिए। और यार आज मुझे सच्ची में बहुत ज्यादा मजा आया, हमने बहुत ज्यादा अपग्रेड कर दिया अभी अपने गैस स्टेशन को। एक नया एम्प्लॉय भी आ गया, एक नया टॉयलेट भी हो गया, कार का एक्स्ट्रा स्पेस भी आ गया है, और गैराज अपग्रेड करूंगा मैं नेक्स्ट टाइम। और कुछ हाँ, अपना गैस स्टेशन अपग्रेड हुआ यार, सबसे बड़ी चीज़, और काफ़ी सारी चीज़ें अनलॉक हो गई है। तो मुझे कमेंट्स में जाके ना कुछ प्रो टिप जरूर शेयर करना, जिससे मुझे इतना सारा काम ना करना पड़े। और जो भी चैनल पे न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।